नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉम एंड मी बाय आर्या। वी रियली केयर फॉर यू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको केसरी रसगुल्ला कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी, लेकिन हम इस रसगुल्ले में वाइट शुगर के बदले पाम शुगर का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखें, आपको कुछ ना कुछ इसमें नया पता चलेगा। पाम शुगर के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। रसगुल्ला बनाने के लिए हमें पाम शुगर के साथ चाहिए केसर, इलायची पाउडर, अरारोट का पाउडर, नींबू का रस, दूध। अब दूध को हम गरम कर लेंगे एक पैन में। एक दूसरे बर्तन में गरम पानी लेकर उसमें नींबू का रस मिला लेंगे। अब इस नींबू वाले गरम पानी को दूध में डाल देंगे, जिससे दूध आसानी से फट जाएगा। अब इस फटे हुए दूध को एक कॉटन के कपड़े की हेल्प से छान लेंगे। इसमें थोड़ा सा फ्रेश वाटर ऐड करेंगे और इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने से इससे नींबू का खट्टापन पूरी तरीके से निकल जाता है। अब अच्छी तरह से इसे छान लेंगे। एक बर्तन में गरम पानी कर लेंगे और उसमें पाम शुगर ऐड कर देंगे। अब इसे उबलने दें। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मिलाएं और अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। केसर से इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है और कलर भी अच्छा सा आ जाता है। इस तरीके से हमारे रसगुल्ले की चाशनी तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ हम 2-3 बूंद पानी लेकर उसमें केसर घोल लेंगे अच्छी तरीके से। ये जो कलर इसमें निकल आया है, इसे हम पनीर में मिक्स कर लेंगे और इसके साथ जो अरारोट पाउडर हमने लिया है वो भी इसी में ही मिक्स कर देंगे। अब करीब 10 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से हम गूथ लेंगे। गूथने के बाद ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट और एक स्पंजी सा डो बन जाता है। अब हम छोटे छोटे बॉल्स इसके तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारे बॉल सारे तैयार हो गए हैं। अब इस बॉल को हम जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें एक एक करके डाल देंगे। ध्यान रहे कि हमारे बर्तन के हिसाब से उतने ही रसगुल्ले हमें डालने हैं कि उसमें थोड़ा सा जगह बच जाए, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये रसगुल्ले फूल जाएंगे और इन्हें फूलने के लिए स्पेस चाहिए होगा। अब इसे 10 मिनट तक उबालें अच्छे तरीके से। धीरे धीरे इसे बीच में आप चम्मच की हेल्प से मिला भी सकते हैं। रसगुल्ले पकने के बाद बिल्कुल फूल कर इस तरीके से नजर आएंगे। आपके टेस्टी, स्पंजी और हेल्दी रसगुल्ले तैयार हैं। इसे आपको 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। अब आप ठंडे ठंडे रसगुल्ले सबको सर्व कर सकती हैं। आई होप रसगुल्ला बनाने का ये हेल्दी तरीका आपको पसंद आया हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।